नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चौथे सत्र में आए हैं, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि LM समानांतर है CB का, LM जो है CB के समानांतर है और LN CD के समानांतर है, तो हमें सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। साथियों, प्रमाण के रूप में आप आ जाओ पहले त्रिभुज ABC में, LM समानांतर है CB के, LM CB के समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय से AM बटे MB की जगह आप कर सकते हो AM बटे पूरा ले लो AB बराबर AL बटे AC। समीकरण फर्स्ट। अब त्रिभुज ACD में LN समानांतर है CD के, इसलिए थेल्स प्रमेय से AN बटे ND आप कहोगे, AM बटे ND की जगह पर AD भी लिखते हैं तो रेशियो वही रह जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो AN बटे AD। इधर जब AD लेंगे तो इधर AL बटे AC लेना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड का देखिए राइट साइड बराबर है, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये आपको लाना था, प्रमाणित हो गया, प्रूफ्ड हो गया। कि एक बार इस त्रिभुज में लिए तो AM बटे AB बराबर AL बटे AC आया, इस त्रिभुज में लिए तो AL बटे AC बराबर AN बटे AD आ गया, दोनों त्रिभुज मिलाए तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इस आकृति दिया हुआ है, DE समानांतर है AC के, DE AC के समानांतर है, DF ये AC के समानांतर AE के समानांतर है, तो सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। साथियों, अब इसका प्रमाण के लिए हम लोग चल रहे हैं, अब इसे प्रमाण देना है। आइए त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC में DE समानांतर है AC के, तो थेल्स प्रमेय से BD बटे AD, BD बटे AD बराबर BE बटे EC होगा। इसे समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। अब त्रिभुज BAE, त्रिभुज BAE में BF समानांतर है AE के, इसलिए थेल्स प्रमेय से BD बटे AD बराबर BF बटे FE, ये समीकरण सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड को देखिए दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड बराबर हो जाएगा, फर्स्ट एवं सेकेंड से BE बटे EC बराबर BF बटे FE, BE बटे EC बराबर BF बटे FE, यही साबित करना था, प्रूफ हो गया। साथियों, अब ध्यान से फिर से देखिए, पहले हम त्रिभुज BAC लिए, इसमें ये इसके समानांतर है, इसलिए BD बटे DA बराबर BE बटे EC हुआ, ये समीकरण फर्स्ट ले लिए। फिर अब त्रिभुज BAE में लिए, इसमें DF समानांतर AE के है, इसलिए BD बटे
AD बराबर BF बटे AF हुआ सेकेंड। ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड में देखिए कि लेफ्ट साइड बराबर हो जाता है तो राइट साइड बराबर होना चाहिए, B बटे AC बराबर हो जाएगा BF बटे AF। यही हमें साबित करना था, प्रमाणित करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में DE समानांतर है OQ के, ये DE समानांतर OQ है, DF समानांतर OR, हमें सिद्ध करना है EF समानांतर है QR के। साथियों त्रिभुज PQO, PQO, PQO में DE समानांतर है OQ के, तो थेस प्रमेय से PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। त्रिभुज POR लीजिए, त्रिभुज PRO में DF समानांतर है OR के, इसका मतलब हो गया PF बटे FR बराबर PD बटे DO, ये समीकरण सेकेंड हो गया। फर्स्ट एवं सेकेंड को देखिए, P बटे EQ बराबर PF बटे FR, इधर PD बटे DO इधर है, PD बटे DO इधर भी है, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होना चाहिए, तो PE बटे EQ बराबर हो गया PF बटे FR। साथियों त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में PE बटे EQ, P बटे EQ बराबर PF बटे एफ आर हो गया, पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो गया, तो थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के विलोम से ई एफ समानांतर हो गया क्यू आर के, और यही हमें साबित करना था प्रूफ। साथ में इस त्रिभुज में ये इसके समानांतर है, इसलिए P बटे EQ बराबर PD बटे DO हो गया, और इस त्रिभुज में DF समानांतर OR है, इसलिए PF बटे FR बराबर PD बटे DO हो गया, तो दोनों में PD बटे DO हुआ, इसलिए P बटे EQ बराबर PF बटे FR हो गया। P बटे EQ बराबर PF बटे FR का मतलब हुआ त्रिभुज PQR में EF QR के समानांतर होगा थेस प्रमेय के विलोम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें AB समानांतर है PQ के, तो त्रिभुज OPQ में AB समानांतर PQ, इसलिए OA बटे AP बराबर OB बटे OQ थेस प्रमेय से। फिर साथियों त्रिभुज OPR में AC समानांतर है PR के, इसलिए OA बटे PA बराबर OC बटे CR समीकरण सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया थेस प्रमेय से। फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, OA बटे AP ये भी है, PA को AP ली सकते हो, इधर OB बटे OQ है, OB बटे OQ है, इधर OC बटे CR है, ये समीकरण हो गया। OB बटे BQ है, OB बटे BQ, इधर OC बटे CR, समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो फर्स्ट एवं सेकेंड से OP बटे BQ बराबर OC बटे CR, OP बटे OQ बराबर OC बटे CR, तो त्रिभुज OQR में BC समानांतर हो जाएगा QR के थेस प्रमेय के
विलोम से, और यही हमें साबित करना था, यानी प्रूव्ड हो गया। साथियों फिर समझ लेते हैं, इस त्रिभुज में ये इसके समानांतर है, इसलिए OA बटे AP बराबर हो गया OB बटे BQ, और इस त्रिभुज में AC समानांतर PR है, इसलिए OA बटे AP बराबर हो गया OC बटे CR। समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो जाता है, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। राइट साइड पे क्या, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। OB बटे BQ बराबर OC बटे CR का मतलब हो गया कि ये BC जो है QR के समानांतर हो गया, तेलस्पर्शमय के विलोम से, और यही हमें साबित करना था, करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि एक त्रिभुज की एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संविभाजित करती है। साथियों एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, इसमें कहा एक भुजा के मध्य बिंदु, तो डी जो है एबी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डी एबी का मध्य बिंदु है, डीई समानांतर बीसी है। सिद्ध करना है कि ई एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब हुआ यानी AE बराबर EC है। प्रमाण देना है साथियों, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर BD, AD बटे BD बराबर हो जाएगा BD बटे BD, दोनों तरफ BD से भाग कर दिए, ये कट के एक हो जाएगा, यानी AD बटे BD बराबर एक हो गया। समीकरण फर्स्ट, अब D समानांतर है BC के, D BC के समानांतर है, इसलिए AD बटे BD बराबर ए बटे ईसी, ये होगा फेस की प्रमेय से। अब ए डी बटे बी, ये इक्वेशन सेकंड मान ली, फर्स्ट और सेकंड को देखिए, फर्स्ट एवं सेकंड से ये एक के बराबर है, तो ए बटे ईसी बराबर भी हो जाएगा एक, इसलिए ए बराबर हो गया ईसी, अतः ई एसी का मध्य बिंदु हुआ। इस प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके, यानी थेस प्रमेय का प्रयोग करके, आधारभूत अनुभवता का प्रमेय प्रयोग करते हुए यह सत्यापित हुआ कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके, मैंने थेस प्रमेय के विलोम का प्रयोग करके, आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। साथियों मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी एबी का मध्य बिंदु है और ई एसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि डी समानांतर है बीसी के, डी बीसी के समानांतर होने के लिए ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे ए सी होना चाहिए, तभी हम थेस प्रमेय के विलोम से साबित कर सकते हैं। प्रमाण डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बटे बी डी बराबर ए डी बराबर बी डी हो जाएगा, यानी ए डी दोनों तरफ बी डी से भाग करेंगे तो ए डी बटे बी डी बराबर बी डी बटे बी डी, यानी एक हो गया, ए डी बटे बी डी बराबर एक हो गया, इसे समीकरण फर्स्ट कहते हैं। उसी प्रकार ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बटे ईसी दोनों तरफ ईसी से भाग करेंगे तो ए बटे ईसी बराबर ईसी बटे ईसी, ये कैंसिल होकर के एक हो जाएगा, ए बटे ईसी
बराबर एक, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो से, फर्स्ट एवं सेकंड से, साथियों स्पष्ट हो रहा है कि दोनों बराबर है, AD बटे BD बराबर AE बटे DC है, AD बटे BD बराबर AE बटे DC है, यानी D समानांतर है BC के, फेस प्रमेय के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 से ये साबित हुआ कि D BC से समानांतर हुआ। साथियों फिर से देखते हैं क्या किया, D AB का मध्यबिंदु था इसलिए AD बटे BD बराबर एक हुआ, ये AC का मध्यबिंदु हुआ इसलिए AE बटे EC बराबर एक हुआ, दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिए, दोनों एक एक के बराबर इसलिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC हो गया, फेस प्रमेय के विलोम से यानी आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय के विलोम से यानी प्रमेय 6.2 के प्रयोग से D BC के समानांतर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज के समूह भुजा के वजह की समानांतर था साथियों, यानी AB समानांतर DC है, AD और BC समानांतर नहीं है, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ऊपर काटती है, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यह हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। रचना करते हैं O से OE समानांतर खींच दिया AB या CD के BC के, अब प्रमाण त्रिभुज A CD में, त्रिभुज ए सी डी में कोई समानांतर है डीसी के, इसलिए फेस प्रमेय से ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे शियो, समीकरण फर्स्ट। त्रिभुज ए बी डी में कोई समानांतर है ए बी के, इसलिए डीई बटे ए बराबर डीओ बटे बीओ, उलट देने पर उलटेंगे तो ए बटे ईडी, ईडी ए बटे डी हो जाएगा, और इधर बीओ बटे डीओ आ जाएगा, समीकरण सेकंड। इस दोनों समीकरण को देखें साथियों, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, ए ए इधर है ई सी, ए ई यहां है ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, हाँ ई डी कहो या डी कहो एक ही चीज है, ई डी भी यहां लेते हैं तो ए ई बटे ई डी दोनों तरफ बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ आ गया। अब यहां पर AO को BO पे यहां ले आते हैं, अल्टरनेटिव लगा देते हैं, तो BO यहां आ जाएगा, CO यहां आ गया, BO प्रूफ, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव एकांतर क्रम से। फिर से एक बार देखते हैं साथियों, ABC की समलंब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD LC को ऊपर काटती है, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, रचना O से OE ए बी के समानांतर या डी सी के समानांतर खींचा, त्रिभुज ए सी डी में ओ ई समानांतर है डी सी के, इसलिए थेस प्रमेय से ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओसी, समीकरण फर्स्ट। फिर त्रिभुज ए बी डी में ओ ई समानांतर है ए बी के, इसलिए डी ई बटे ए बराबर डी ओ बटे बी ओ, इसको उलट देने पर
ए ही चला गया ऊपर, डी चला गया नीचे, डी कहो या ए डी कहो एक ही चीज है। बीओ बटे डीओ समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो दोनों के से एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ आ गया। अल्टरनेंडो लगा दिया, एओ को यहां लिखे, बीओ को इधर ले आए, सीओ को यहां पहुंचा दिए। तो एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, यही हमें साबित करना था, प्रमाणित हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चतुर्भुज एबीसीडी है, एबीसीडी है कि विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर काटते हैं, इसके विकर्ण एसी और बीडी है जो दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। इस प्रकार काटते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। सिद्ध करना एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है जो ओ पर इस प्रकार काटते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। रचना ओई समानांतर ए बी खींचा। प्रमाण, चूंकि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ ऐसा लिख सकते हैं। एकांतर एकांतर बदल दिए इसको। अब ये तो दिया हुआ है, अब करते हैं त्रिभुज ए बी डी में ओ बी समानांतर खींचे ए बी के, इसलिए डी ई बटे ए डी ई बटे ए बराबर डी ओ बटे बी ओ, उलट दीजिए तो ए ई बटे डी ए बटे डी बराबर हो गया बी ओ बटे डी ओ। ये समीकरण फर्स्ट मान लिए, और हमें दे रखा है कि बी ओ बटे डी ओ बराबर है ए ओ बटे सी ओ। साथियों फिर से त्रिभुज लेते हैं कि ये फर्स्ट है और इसको सेकंड कह लेते हैं, फर्स्ट एवं सेकंड कि दोनों से देखते दोनों का राइट साइड बराबर है तो एओ बटे सीओ बराबर ए बटे बी, एओ बटे सीओ बराबर ए बटे बी, यानी त्रिभुज एसीडी में ओई ओई समानांतर बीसी होगा फेस प्रमेय के विलोम से। चूंकि ओई समानांतर ए बी है इसलिए ए बी समानांतर बी सी हुआ, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हुआ। साथियों उसको फिर से देखते हैं, हमें दिया है कि ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसे विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर इस प्रकार काटती है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। रचना करते हैं कि ओ सी ओ ई ए बी के समानांतर खींच देते हैं। हमें दिया है ए ओ बटे ओ सी बराबर सी ओ बटे डी ओ, अल्टरनेंडो लगा दिया, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ लगा दिए, लिख दिए समीकरण पर। त्रिभुज ए बी डी में ओई ए बी के समानांतर है ऐसा रचना किया है, रचना से आप लिख सकते हो। तो डी बटे ए बराबर डी ओ बटे बी ओ होगा, उलटने पर ए बटे डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का दाहिना पक्ष बराबर है इसलिए ए ओ बटे ओ सी बराबर ए बटे डी, ए ओ बटे ओ सी बराबर ए बटे डी ऐसा है। इसका मतलब है त्रिभुज ए सी डी में ओई डी सी के समानांतर है और ओई ए बी के समानांतर खींचा है ऐसा ऐसा रचना किया है। रचना से इसका मतलब यह हो गया कि ए बी जो है डीसी के समानांतर है,
OEDC के भी समानांतर है और OEAB के भी समानांतर है। इसका मतलब यह है कि DC और AB समानांतर है और AB और DC समानांतर हो गया तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज हुआ। वाह साथियों, इस प्रकार ये सब अध्याय का टोटल सॉल्यूशन हो गया। हमारे साथ जुड़े रहें और आसानी के साथ सरलतापूर्वक ज्योमेट्री को सीखते रहें। हम अगले सत्र में लेकर के आएंगे इसके अगले 6.3 के थ्योरम्स और एग्जांपल्स। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।